हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड बोयंसी। तो प्रेशर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, और हमने प्रेशर और थ्रस्ट के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो वो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो प्रेशर जो होता है दैट इज़ थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब कि कोई भी बॉडी कुछ पर्टिकुलर एरिया पर कितना थ्रस्ट लगाती है, दैट इज़ नोन एज प्रेशर। अब फ्लूइड्स क्या होता है, तो फ्लूइड्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लूइड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा, ये सब जो है वो है फ्लूइड्स। अब क्या एयर फ्लूइड है? तो यस, एयर भी तो फ्लूइड है, बिकॉज एयर भी फ्लो कर सकता है, सो एयर इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड। अब प्रेशर इन द फ्लूइड्स, तो हमने जब थ्रस्ट और प्रेशर देखा था तब हमने ये देखा था कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर रखते हैं, जैसे कि अभी मैं ये पेन को ऐसे रखता हूँ तो ये पेन सरफेस पर फोर्स लगाती है, और ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं प्रेशर। तो मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम सरफेस पर रखते हैं तो वो प्रेशर लगाता है। हम अगर सैंड में खड़े रहते हैं तो भी हमारा जो बॉडी है वो सैंड के ऊपर फोर्स लगाता है। अब फ्लूइड में क्या होता है कि फ्लूइड भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका भी मास है, उसका भी वेट होगा, तो ये जो फ्लूइड है उसे हम जो भी कंटेनर में भरते हैं तो वो कंटेनर में प्रेशर लगाता है। तो जिस तरह से सॉलिड प्रेशर लगाता है उसी तरह से फ्लूइड भी प्रेशर लगाता है। जिस कंटेनर में फ्लूइड को भरा जाता है उस कंटेनर में फ्लूइड प्रेशर लगाता है, और सभी डायरेक्शन में लगाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ बोयंसी। तो आप में से कई बच्चों ने स्विमिंग तो किया ही होगा और स्विमिंग आता भी होगा आपको। तो स्विमिंग जो करते हैं तब आपको कैसा फील होता है? जब आप स्विमिंग पूल में होते हो तब आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ वेट है ही नहीं, आपको बहुत ही हल्का फील होता है। और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि बाल्टी पानी से भरी हुई है और उसमें आप जब अपना हाथ डालोगे तो क्या होगा, आपका हाथ जो है वो बहुत ही लाइट वेट लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जो हाथ है उसका वेट बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों होता है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं दैट इज़ स्टीमर, तो उसका भी वेट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो पानी पर तैर सकता है, और अगर मैं एक छोटी सी नीडल को पानी में डालूंगा तो क्या होगा, वो डूब जाएगी, लेकिन बड़े बड़े जहाज जो होते हैं दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर। नाउ दैट ऑल टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो चलिए अब पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है बीकर, और यू कैन सी हियर दिस इज़ अ बॉटल, और बॉटल को ऊपर से क्लोज कर दिया गया है। अब ये बॉटल को जब मैं पानी के ऊपर रखूँगा तो क्या होगा, वो अंदर नहीं जाएगी। बॉटल का कुछ वेट है, उसका मास है m, सपोज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सपोज़ बॉटल का मास है m। नाउ जब मैं पानी के ऊपर इस बॉटल को रखूँगा तो पहले तो बॉटल का कुछ वेट लगेगा, दैट इज़ m इंटू जी, वो कहाँ पर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज अर्थ जो है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को नीचे खींचती है विद द फोर्स m इंटू जी। तो ये हो गया mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये बॉटल पानी में अंदर नहीं जाएगी, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इस बॉटल को अंदर डाल देता हूँ तो क्या होगा, तो ये बॉटल अपवर्ड फोर्स लगाएगी, ये बॉटल अंदर नहीं जा पाएगी ज़्यादा, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। सो यहाँ पर भी फोर्स लगता है mg, उसका सेल्फ वेट है, प्लस मैंने ऊपर से कुछ फोर्स लगाया तो क्या होगा, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है mg। अब मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो क्यों लगता है, यहाँ पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, तो जब कोई फॉरेन मटेरियल पानी के अंदर आता है तो ये मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कि भाई तू जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है इधर। ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो बॉटल को बाहर निकाल देना चाहते हैं, इसलिए बॉटल को अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना लगता है वो हम बाद में देखते हैं।
लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप एक एम्प्टी बॉटल लीजिए और उसको पानी से भरे हुए बीकर में डालिए तो बॉटल पे अपवर्ड फोर्स लगेगा। अब जब बॉटल को हम पूरा कम्प्लीटली पानी के अंदर डिप कर देंगे तो क्या होगा, तो ज़्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सिमिलरली यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पर ज़रा एरो की साइज़ देखिए, मैंने क्या किया है, फर्स्ट में एरो छोटा रखा है, यहाँ पर एरो मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है और लास्ट केस में मैंने एरो ज़्यादा बड़ा ड्रॉ किया है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स जो है वो कम लगता है, यहाँ पर आधी ही बॉटल डूबी हुई है सो उस पर थोड़ा ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू दिस, और यहाँ पर बॉटल को कम्प्लीटली डिप किया हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर बॉटल को अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। सो यहाँ पर बॉटल इतनी सी डूबी हुई है तो ये पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, ओनली दिस मच वॉल्यूम। हियर इन नेक्स्ट फिगर बॉटल इतनी डूबी हुई है सो ये पानी के कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी मतलब कि इतना वॉल्यूम हटा देगी, इतना हमने अंदर डाला तो इतना पानी साइड पे हो जाएगा। और यहाँ पर पूरी बॉटल हमने अंदर डाल दी है तो ये पूरी बॉटल का जो वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी का लेवल इतना है, फिर बढ़ गया और यहाँ पर बीकर ओवरफ्लो होने में है सो लेवल बढ़ गया है। तो इसका मतलब यह है कि जब बॉटल को हम कंप्लीटली डिप करेंगे तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर हटाएगा। अब ये बॉटल जितना वॉल्यूम हटाती है वाटर का उसके ऊपर डिपेंड करता है ये अपवर्ड फोर्स। यहाँ पर कम वॉल्यूम को हटाया है सो कम फोर्स लगेगा, ज़्यादा वॉल्यूम को हटाया है तो ज़्यादा लगेगा, और कम्प्लीटली डिप कर दिया है मैक्सिमम वाटर का वॉल्यूम हटा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है सो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो भाई यहाँ पर इस तरह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसे बोलते हैं बॉयंट फोर्स। अब बॉयंसी क्या है, तो ये जो फिनोमिना है उसे बोलते हैं बॉयंसी। तो बॉयंसी को अगर हमें डिफाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमने पहले तो यहाँ पर क्या किया कि बॉटल को पानी में डाला तो बॉटल क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करने का ट्राई करेगी। उसको हम एज अ डेफिनेशन फ्रेम कर लेंगे कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं या तो फिर कोई और फ्लूइड में डालते हैं तो वो फ्लोट करने की जो टेंडेंसी होती है उससे हम बोलेंगे बॉयंसी। सो वी विल राइट द डेफिनेशन। तो बॉयंसी की डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट व्हेन इट इज डिप्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड बॉयंसी। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब बॉयंट फोर्स हमने मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा, तो डेट डिपेंड्स ऑन दी मास डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉटल या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको हम डिप करेंगे, और वाटर का जो मास डिस्प्लेस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है बॉयंट फोर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि जो अपवर्ड फोर्स लगता है डेट डिपेंड्स ऑन दी मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। सो सपोज ये एम जो है दैट इज दी मास ऑफ दी बॉटल, सो वी विल राइट हियर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम पानी में डिप करेंगे या तो फिर कोई और फ्लूइड में डिप करेंगे, दैट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ सपोज इतना मास डिस्प्लेस हुआ है उसे हम नेम देंगे एम ज़ीरो, दैट इज मास ऑफ दी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके सो यहाँ पर एम ज़ीरो कितना है, कम है। यहाँ पर एम ज़ीरो मतलब कि इतना वॉल्यूम का मास डिस्प्लेस हुआ है तो ये ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट केस, एंड हियर इट इज़ मैक्सिमम। यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी ही लगता है और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लगता है वो हम देखते हैं। तो एम ज़ीरो मास डिस्प्लेस हुआ है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज़ द बॉयंट फोर्स, और वो कितना होगा, तो डैट विल बी इक्वल्स टू एम ज़ीरो इंटू जी। यहाँ पर एम ज़ीरो कितना है, बहुत कम है, इतना ही है सो कम फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में।
यहाँ पर एम ज़ीरो कितना है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर इतना लगेगा, एम ज़ीरो ज़्यादा है, सो एम ज़ीरो इंटू जी दैट विल ऑल्सो बी मोर। यहाँ पर एम ज़ीरो इज़ मैक्सिमम, इतना मास यहाँ से डिस्प्लेस होगा, सो ये फर्स्ट केस और सेकंड केस से ज़्यादा है, सो यहाँ पर एम ज़ीरो इंटू जी कितना होगा, इन दोनों केस से ज़्यादा होगा, सो दिस इज़ द बॉयंट फोर्स। सो गाइज, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा वो था बॉटल का, बॉटल फ्लोट करती है, लेकिन अगर बॉटल की जगह पर अगर स्टोन है तो स्टोन तो वैसे ही डूब जाएगा, जैसे हम रखेंगे सरफेस पर तो वो नीचे चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं हम वो है व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक। ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर फ्लोट क्यों करते हैं या तो फिर डूब क्यों जाते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एक बीकर लीजिए, बीकर में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो है दैट इज़ द वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है और यहाँ पर जो आप देख रहे हो दैट इज़ नेल। अब वुडन ब्लॉक जो है उसका मास है सपोज 10 ग्राम और ये जो नेल है उसका भी मास है 10 ग्राम्स, तो दोनों सेम ही मास है तो आइदर दोनों फ्लोट होने चाहिए या तो फिर दोनों ही डूब जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आयरन नेल जो है वो 10 ग्राम की है लेकिन वो डूब जाती है, और ये जो वुडन ब्लॉक है वो भी 10 ग्राम का ही है लेकिन वो फ्लोट करता है। सो व्हाई दिस हैपन्स, सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज़। यहाँ पर नेल जो है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, सपोज वाटर की डेंसिटी है रो फिक्स डब्ल्यू, तो यहाँ पर नेल पानी में क्यों डूब गई है, बिकॉज नेल की जो डेंसिटी है दैट इज़ मोर कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड यहाँ पर वुडन ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रहा है, वो डूबा नहीं है। वाई? बिकॉज वुडन ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए। सो हियर वी कैन राइट, सपोज ये जो वुडन ब्लॉक है उसकी डेंसिटी है रो सफिक्स डब्ल्यू, लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज रो सफिक्स, यहाँ पर डब्ल्यू ओ लिख देते हैं वुडन, दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू ओ, वाटर की डेंसिटी है रो सफिक्स डब्ल्यू, एंड यहाँ पर नेल की जो डेंसिटी है दैट इज रो सफिक्स नेल। अब यहाँ पर वुडन ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वुडन ब्लॉक की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है इसलिए ये फ्लोट करता है, एंड ये जो नेल है वो डूब जाती है, क्यों, बिकॉज उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। सो वी कैन राइट डेंसिटी ऑफ नेल इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो पानी पर फ्लोट करता है, और पानी की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है। चलिए, तो अब इसको हम थोड़े प्रूफ के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, तो फ्लोट करता है तब ये इतने मास को डिस्प्लेस करेगा, देन इन द सेकेंड डायग्राम ये जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा कम्प्लीटली डूब गया है तो वो कितने मास को डिस्प्लेस करेगा, इतने मास को, एंड फाइनली जो है वो हम बाद में देखते हैं। अब ये जो हमें प्रूव करना है कि भाई ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट इतना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है, मीन्स ये ब्लॉक का जो मास है सपोज उसका मास है m, अब m जितना मास पानी में कम्प्लीटली डूबा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना ही मास इसने डिस्प्लेस किया है। ओके, सो यहाँ पर पहले तो फोर्स कितने कितने लगते हैं, तो एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगता है दैट इज m इंटू जी, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज द बॉयंट फोर्स, और वो हमें पता है कि वो कितना होता है m ज़ीरो इंटू जी, एम ज़ीरो मतलब कि इतना ही मास डिस्प्लेस किया है दैट इज द मास m ज़ीरो। तो यहाँ पर हम थोड़ा कुछ लिख लेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, देन अदर फोर्स इज फोर्स बाय द लिक्विड दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वो कौन सा फोर्स है, दैट इज द बॉयंट फोर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू
एम जीरो इंटू जी। अब एम इंटू जी, तो एम मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, तो एम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो हियर एम की जगह पर हम लिख सकते हैं रो इंटू वी एंड जी एज इट इज। नाउ सिमिलरली यहाँ पर एम जीरो है, एम जीरो क्या है, तो इतने मास से जो वाटर का मास डिस्प्लेस हुआ है दैट इज एम जीरो। अब वो एम जीरो के लिए सेम ही यहाँ पर यूज करेंगे, एम की जगह पर हम लिख सकते हैं रो इंटू वी एंड जी एज इट इज। नाउ यहाँ पर ये जो डेंसिटी है वो किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम एस लिख देंगे, और ये जो एम जीरो है वो कौन सा मास है, वो वाटर का मास है दैट इज लिक्विड। सो यहाँ पर रो की जगह पर हम रो सफिक्स एल लिखेंगे। यहाँ पर अब देखो कि इतना वॉल्यूम है और वो कम्प्लीटली पानी के अंदर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इतने वॉल्यूम के मास ने इतना ही सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, दे आर सेम। और जी तो अर्थ के ऊपर सेम ही रहता है, तो फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड बॉडी। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा, और डेंसिटी कम है तो डाउनवर्ड फोर्स कम लगेगा। अब बात करते हैं बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स में भी सेम ही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज रो सफिक्स एल। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ज़्यादा रहेगा तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा, और अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम रहेगा तो अपवर्ड फोर्स दैट इज बॉयंट फोर्स कम लगेगा। तो अब ये तीनों डायग्राम में हम ये रिलेशन देखेंगे कि किस में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है, और क्यों फ्लोट होता है ऑब्जेक्ट, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो सिंक हो गया है। तो सिंक क्यों हुआ, बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है। सो ऑल्सो वी कैन राइट हियर डेंसिटी ऑफ सॉलिड दैट इज दिस ब्लॉक इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो ये जो ब्लॉक है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए ये सिंक हुआ है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, फ्लोट। तो यहाँ पर फ्लोट इसलिए होता है बिकॉज डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो सफिक्स एस इज लेस देन रो सफिक्स एल। अब ये जो केस है वो थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है लेकिन फुल्ली सबमर्ज है। तो ऐसा कब होता है, जब ये लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी सेम होगी तब। सो बोथ डेंसिटीज आर सेम। अगर ये थर्ड केस की हम बात करें और थर्ड केस में ग्रेविटी नहीं लगती है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये पानी में कहीं पर भी वो अपनी जगह बना सकता है, लेकिन अगर अर्थ की बात करें या फिर कोई भी प्लैनेट की बात करें तो वहाँ पर ग्रेविटी लगती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और फुल्ली सबमर्ज रहेगा। कब, तो जब उन दोनों की डेंसिटी सेम रहेगी तब। चलिए तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक आयरन नेल जो है उसको हम मर्क्यूरी में डालेंगे तो वो आयरन नेल फ्लोट होगी या फिर डूब जाएगी, तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो।